शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिरोजाबाद शहर के अचूट ग्रीन में धीरेंद्र यादव के यहाँ आए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब में अपनी बेबाक राय रखी। पूछे गए सवाल कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता की समस्याओं और जनता का बड़े बड़े दलों से भरोसा उठने के कारण बनाई है। इसका मूल उद्देश्य जनता की समस्याओं का निदान कराना है। आगे कहा कि बाकी जब से पार्टी बनी है आप देख रहे होंगे कि जनता भी भरोसा जता रही है। उन्हें पूछा गया कि चल रही चर्चाओं के अनुसार क्या वाकई आप फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा जब जनता और पार्टी पदाधिकारियों का फैसला होगा तो वे आगे इसके लिए तैयार रहेंगे। अमित भाई ये तुम लालू और आगरा मंडल के समाजवादी पार्टी के प्रभारी देवेंद्र गुप्ता जी और छोटू सभी लोग चाहेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है। सर देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जनता की जो समस्याएं हैं और जो हमारा देश और प्रदेश जिस स्थिति में है और ये जो सरकार थी जन विरोधी सरकार, इनसे जनता का विश्वास उठ चुका है और बड़े बड़े दल भी हैं उनसे भी जनता को भरोसा नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाना पड़ी है। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पीछे आप देख ही रहे हो, अभी हमारी पार्टी को ज़्यादा दिन बने नहीं हुए और हमारे साथ जहां हम निकलते हैं भीड़ उमड़ती है, जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा है, तो हम जो बात कहेंगे हमेशा मैंने पूरा भी किया है। हम दो बार सरकार में भी रहे हैं, हमेशा हमने जो पूरा किया है, तो इसलिए जनता को भरोसा है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नौजवान हो, सबको हमारे ऊपर भरोसा है। तो उनकी जो भी तकलीफें हैं हम सरकार बना करके उनकी तकलीफों को दूर करेंगे। सब भरोसे की बात आती है यहाँ पे कि यहाँ की जनता को आपके पार्टी कार्यकर्ताओं को ये पूरा भरोसा है कि आप फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, सर इसके बारे में क्या कहना है। देखिए यहाँ की जनता और यहाँ के हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अगर लोग चाहेंगे तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे और जल्दी ही हमारे जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बहुत जल्दी अब बनेगा, वो फैसला ले लेगा, वही मैं करूँगा। अच्छा सर, अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं फिरोजाबाद से तो आपके सामने कई सारी चुनौतियाँ रहेंगे, आपके खुद अपने ही आपके सामने खड़े दिखाई देंगे, तो सर उसके लिए क्या। अच्छा फिर कोई हो उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे।